हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलवी सिस्टर्स। सो आज व्लॉग यहीं से स्टार्ट हो रहा है, डिनर से। और डिनर में बन रहा है चिकन, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और साथ ही साथ मैं बना रही हूँ अमरूद के कचालू, जो कि बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैं यहाँ बहुत सारे अमरूद काट रही हूँ, मतलब 5-6 अमरूद काट रही हूँ, बहुत सारे, मतलब हाँ ठीक ठाक अमरूद हैं। तो इसमें काली मिर्च और नमक और काला नमक और शक्कर यानी चीनी यानी शुगर, ये सब मिलाकर जो बनता है ना, ओ भाई साहब, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है कि मुंह में पानी आ जाता है। शक्कर जो होती है ना, वो डिसॉल्व हो जाती है, तो इसका कोई चक्कर नहीं है कि आपके मुंह में चीनी आएगी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि आपके मुंह में शक्कर आएगी, ठीक है। सो यार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, एक बार अगर आपने नहीं खाया है तो ट्राई ज़रूर करिएगा। सो या देखो तुम तो करते क्या क्या चलो ना चल रहे क्या पापा के पास सबके लिए कचालू बना जर के मीठा आप कटवा कटवा के जो है पापा नहीं बोला पूरा घर मीठा करा देंगे पापा नहीं बोला मैं खुद अब ये देख लो कि अल्लाह ने सब तो तुम भी ले आ वो भी आ गया सब आ गया हम कौन ले आए हम तो कुछ नहीं लाए अब संदीप ने चला लड्डू हम लड्डू आ गए लड्डू लड्डू इधर ही साल की जैकेट मैंने आप निकाली है माल बचाया ना उसका ये हिट गाना था उसका भाव सबका हीरो बन गया था भाई जहाँ ले जाए हम लोग वहाँ आज हम लोग की दावत है। हालांकि मैंने बाबू बंद करिए गाइस, आज क्या कहते हैं, मतलब मैंने खाना बना लिया था पूरा, मतलब मुर्गा उर्गा बना लिया था, फिर फ़ोन आया कि चलो तुम्हारी दावत करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, शानवाज भी करनी है, चलिए ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, तौसीफ भाई को उठाएंगे और फिर उनके घर पे मिलते हैं सीधे चल के, ठीक है? ठीक है बाबू। मैं तो बिल्कुल टिप टॉप तैयार हुई हूँ, शानवाज नहीं तैयार हुआ। आज अपने वाला कोट क्यों नहीं पहना? अब कर तैयार, धने काम कर रहे थे, बिजली पे गया तो कपड़े पहने। हाँ चलो ठीक है, चलो अब हम मिलते हैं वहीं चल के। ओके सो गाइस, हियर वी आर, हम लोग आ गए हैं तौसीफ के घर के बाहर। हॉर्न बजा। मैं
क्या कॉमेडी यार, तुम लोग इतना ज्यादा कैमरा से शाय होते हो, तुम लोग न्यूज के सामने कुछ नहीं बोल पाए। हमने कहा चलो न्यूज वाले के सामने तुम लोग नहीं बोल पाए, मुझे पॉइंट्स नहीं दे पाए, चलो मैं नहीं बोल पा रही, तुम लोग तो पीछे से बोलते। शाहनवाज ये सब तुमको सिखाना चाहिए, यू शुड गिव हर बैकअप। तो हम तो न्यूज पूरे सुनाते नहीं सुनती हैं। उस दिन के बाद से हम सुनने लगे थे बाबा। दस बजे सब कुछ बंद हो गया है। और बताओ बाबू, हक्कु बंदर आ गए हैं? हक्कु बंदर नहीं, पुलिस आ गए हैं। पुलिस आ गए? पुलिस आ गई है। पुलिस मेल होती है फीमेल? पुलिस फीमेल होती है। और सब कुछ बंद हो गया है। हम लोगों ने सोचा था कलेजी खाएंगे, बट कलेजी भी बंद हो गई है। है ना बाबू? बैक करो। तुम भी पीछे लोगों को करो, ऐसा हाथ से इशारा करो। अबो बस पीछे में गाड़ी है। नाच मेरी रानी। वाओ इतना आप इतना अच्छा गाती हैं। थैंक यू। हम लोग गए थे और अभी बंद हो गए। हाँ पीछे के रास्ते से निकलते हैं हम लोग। ऐसा ही तो हम लोग का वहाँ है बाबू, चौक में खाना खा के हम लोग ऐसे ही भगाए गए थे। पीछे से निकली पीछे। ये आंटी अभी तक खड़ी हुई है। क्या कह रही है? गपशप कर रही है। कुछ बंधवा रही है। नहीं रुके अभी ये लोग पुलिस निकल जाए। शटर नहीं से नहीं लग रही बेचारी लड़की है। सो गाइज ये है नेक्स्ट डे और अभी सुबह के बज रहे हैं 11 और मैं निकल रही हूँ बिजनौर के लिए, और क्योंकि वहाँ पर मुझे बैंक में कुछ काम है। और एक्चुअल में मैं वहाँ पर नहीं, मतलब मेरा बैंक अकाउंट आर्यवर्त में है, वो पापा ने खुलवा दिया था मेरा, मैं नहीं चाह रही थी मैं वहाँ पर खुलवाऊँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी पंजाब नेशनल बैंक में है, तो क्योंकि मुझे वहाँ की सर्विसिंग बहुत अच्छी लगती है। तो पापा ने कहा कि नहीं, एक ग्रामीण बैंक में भी तुम्हारा अकाउंट होना चाहिए। तो बहुत पहले ही उन्होंने मेरा वहाँ पर ग्रामीण बैंक में भी खुलवा दिया था। तो वहाँ पर मुझे कुछ काम था। देखिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ आर्यवर्त बैंक और ये बिजनौर में है। सो मैं अभी यहाँ से काम करके निकलती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। हमको जोया आई थी कॉलेज। क्या ले रही हैं? मशहूर बाटी चोखा। जल्दी खिलाओ बहन, बहुत तेज भूख लगी है। मुझे भी लगी है। तुमने कुछ खाया था सुबह? पराठा। दो प्लेट ना? दो प्लेट। कोल्ड ड्रिंक तो लानी पड़ेगी। कोल्ड ड्रिंक रहने तो पेट भर जाता है। है पूर्वांचल की बाटी चोखा। एंड अभी तक का मतलब पूरी जिंदगी में मैंने यहाँ से अच्छी बाटी चोखा नहीं खाया। बताओ कहाँ है ये? बिजनौर के ये थाना है ना, कौन सा थाना है ये? बिजनौर का सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के पास है भाई साहब, जबरदस्त। कैसे है? जवाब ही नहीं है। कहीं और का खा लो एक तरफ और यहाँ का एक तरफ। हम लोग ढूंढ कर आए, हम लोग को मिली नहीं रही थी ये शॉप। हाय गाइस, तो आप लोग को दिखा होगा दो दिन पहले का जब हम लोग गए थे बाटी चोखा खाने, तो कल का पूरा नहीं, आज सेकंड डे। हाँ, तो कल को पूरा दिन निकल गया और हम लोग ने कुछ भी नहीं शूट किया। तो आज मुझे बोल लेने दो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वी डोंट वांट टू शो एनीथिंग, वी वांट टू लिव इन पीस, दैट्स व्हाई वी डिडंट शूट इट।
तो ये मतलब कि हम लोग का कल का पूरा दिन निकल गया और आज ये जाने वाली थी, बहुत जिद कर रही थी मैं जा रही हूँ, गाड़ी तक पहुंच गई, गाड़ी स्टार्ट exactly, फिर बारिश होने लगी, गाइस गुस्सा होकर चली गई है, अब इन्हें बुलाया जा रहा है। और सबसे ज्यादा प्यार ये हमारी अमन अप्पी उनको सर पे चढ़ा ली है, बता आई मेरे नखरे नहीं देखे जाते हैं अमन अप्पी से, अमन अप्पी के नखरे ये देखिए भैया, इसको दो मोबाइल, ये आई है इसको दो मोबाइल दीजिए, यहाँ पे पकड़ लीजिए, लाइए चलिए बात करिए, बताइए सबको ये बता दो कि अब गाड़ी तक बैठ गई थी, बारिश इतनी हो रही थी लेकिन मुझे जाना है, सब रोक रहे हैं, पापा रोक रहे हैं बहाने से, बट अल्लाह का करना, देखो इनकी गाड़ी ही नहीं स्टार्ट हुई, उसकी बैटरी पता नहीं चली है जो भी, गाड़ी ही नहीं स्टार्ट हुई, एक कार में भी बैठी रही कि पापा आके धक्के लगवा दें और गाड़ी स्टार्ट हो जाए, बट इतनी बारिश हो रही थी तो कुछ नहीं हो पाया। सो फाइनली अब रुक जाओ, लेकिन तब भी नहीं, मुझे जाना है, लेकिन अब जब हम तो फिर ये रुक गई है और आज इनसे बनवा पहली बार हम लोग के घर में कुछ बना के खिलाए, क्योंकि शादी से पहले कुछ बनाया नहीं था और वहां जाके तो टेस्टी खाना बनाने लगी, व्लॉग्स में हम लोग देखते थे, और आज हम लोग को ये बना के क्या खिलाने वाली है, चिकन। तो अब ये कैमरे में नहीं आना चाह रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, रुको अभी मत डालो। तो ये जा रही है बनाने चिकन, जो कि हम लोग ने सुना ये बहुत अच्छा बनाती है, शानवास भाई से भी हमने सुना बहुत अच्छा बनाती है। और गाइस एक और चीज, ये मैंने चूड़ी ढूंढी है, मेरे बहुत पुराने थी और मैं पतली हो गई फिर से, तो ये मेरे आने लगे, चलो जाओ पीछे जाओ। तो अब हम आपको रेसिपी दिखा रहे हैं, ठीक है, और सब मुर्गा धुलवा चुकी है मम्मी से, मम्मी ने मुर्गा धुल के दिया है, प्याज मुझसे कटवा रही है, प्याज मैंने अभी काटी है, छील के तो दी। और गाइस कमेंट में लिख दीजिए जस्टिस फॉर फिजा, ये सब क्या है हमारे, क्या तो नहीं, ये होता है डिस्पेंसर, ऑयल डिस्पेंसर, तुमने इतनी तेज आज करके यूं करके डाला जाता है, अरे धीमी करो जल जाएगा, यूं करके किया जाता है गाइस, ने मजाक उड़ा रही है हमारे ऑयल डिस्पेंसर का, अमन आज पापा ने कहा है तुम्हें बनवाने के लिए, अगर तुम्हारा सही नहीं बना सोच लो क्या होने वाला है, एंड हां कुछ नहीं, ये कुणाल कपूर के पास भी ऐसा ही है सेम, चलो बस ज्यादा तेल हमें लग रहा है, ज्यादा नहीं लग रहा है, स्मेल देख, तो हम लोग ने तेल में प्याज डाल दिया, और तेल हमें अपने कितने से ही होगा, जितना डाल दिया उतना ले लेते हैं, थोड़ा सा मीडियम तेल लेना है, अमन चलाना भी पड़ेगा, कैसी रेसिपी तुम बना रही हो यहाँ पे, तुम लोग ये सब अच्छे अच्छे लाओ कैप्शन, तभी लोग तुम्हारा देखेंगे, क्यों बनाना पड़ा चिकन इतना को मायके में, क्या हुआ मायके में जो बनाना पड़ा आज खाना रात का इतना, ये चला रही है अमन, तुम्हारे हाथ चलाने के तरीके से है पता लग रहा है कि तुम्हें कितना बढ़िया खाना बनाना आता है, बढ़िया माशाल्लाह। और ऐसे में ना जो है मसाला डाल दीजिएगा कभी भी, जब पूरी लाल हो जाए प्याज तब डालिएगा। बेटा हमें क्यों रोका आपने, शादी से पहले तो कभी आपने हमें भाव दिया नहीं, हमसे आप लड़ती थी कुत्तों की तरह, तो आपने रुक के मेरा यहाँ कौन सा मनोरंजन करवा दिया, बताइए क्या बना, मुर्गा बनाए कि नहीं बनाए, मुर्गा तो सारा मैं ही मसाला छील रही हूँ, बेटा तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए ना, हम कहीं जाके किसी के यहाँ काम करते हैं ना, हमारे क्या किसी को हम काम करवाते हैं, तो कैसे काम करवाते हैं, बहुत काम करते हैं, तुम्हें क्या मत बोलो, तुम खुद मत बोलो, हम अपने घर में किसी को काम नहीं करवाते हैं, चाहे किसी से पूछ लो, मेरा घर आता है मेहमानों की तरह बैठाते हैं, उसके बाद हम काम करते हैं सारा, चाहे कुछ हो जाए, और ना हम कहीं जाके काम करेंगे, ये मेरा उसूल है, और हमने करवा लिया तुमसे, पापा ने कह दिया इसीलिए, पापा पता है आज पापा आज मुर्गा ले आके लेंगे, सुना है अमन को बहुत जी चाह रहा था मुर्गा खाने का, हमें अच्छा ही नहीं लगता है मुर्गा, पापा इज वेरी नाइस, आवाज को बहुत पसंद लगता है ये, देखे आवाज खा के पता नहीं कैसा, आवाज बेकार बनेगा तो नहीं बता, जब किसी के सामने बनाना हो, ये देखो मसाला इन्होंने पूरा प्याज
उसने सब करवा लिया, बता रही है कि मसाला बहुत कम है। हमने कहा मसाला और लाओ, मसाला इतना बहुत काफी था, लेकिन ये कह रही कम है मसाला, कम है, बस 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 पीछे डाल दिया सब। हाँ सब चलो। आप कटोरी खा रही हैं, ये मैं जानना चाह रही हूँ क्या चिकन से आपका पेट नहीं भरा? गाइस मुझे कोई चिकन की बात हो रही है। हाँ। नहीं सही बना था क्या? सच बताएं कि झूठ बताएं? सच बताओ। ऑनेस्ट ठीक बना था, ज़्यादा अच्छा नहीं बना था, मैं खुद मान रही हूँ। सो गाइस मैं बताती हूँ ऑनेस्ट रिव्यू, इनका चिकन मतलब दही जो पापा लाए थे वो बहुत खट्टा था, तो जैसे कि एक खटास नहीं आ जाती है, कुछ ज़्यादा ही लाइक खट्टा। झूठ मत बोलो। अच्छा खट्टा नहीं था, मतलब 50-50 था। और हम लोग ने जो पराठे के साथ अगर आप खाओगे ना वो चीज़ बहुत टेस्टी लग रहा था, रोटी के साथ नहीं मैच खा रहा था। मुझे अपनी मम्मी के हाथ का सबसे प्यारा लगता है एमन का, मम्मी से, मम्मी का 90 होता है एमन का। आज हुआ है गड़बड़ यार, घर में अच्छा बनता है। हाँ। तुम क्या जानो? अल्लाह मालिक। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जब तुम मेरे घर आई थी स्टू कैसा बनाया था? और बोटी कबाब भी बहुत टेस्टी था। और तो मुर्गे की तो तुमने ऐसी तारीफ की थी कि जोया मतलब कि सब उंगलियां चाटते रह गए। झूठ बोल रही है ये लोग। यहाँ क्या बना दिया जो लोग उंगलियां चाटते हमने कल बना के दिखवा दे। अच्छा बना था, मम्मी को बहुत पसंद आया, जो बात है। मम्मी ने तो इसकी इतनी तारीफ कर दी है। मम्मी झूठ बोलेंगे? मम्मी ने ये कह दिया कि जोया ने जो बनाया था मैंने वो नहीं खाया, बल्कि मुझे तुम्हारा ज्यादा अच्छा लगा। मम्मी को भी अच्छा लगा है और पापा को भी अच्छा लगा है। क्या तुमने पूरे ले लिए? गाइस में हवा होते हैं, इन्होंने पूरे ले लिए। कटोरी अच्छी लग रही है, कह रहे थे और ले लो। आमन अपे होते हैं ज्यादा खाने में मजा आते है ना। गाइस आमन अपे ट्यूशन में एक बच्चा पढ़ने आता था, वो ऐसे चिप्स खा रहा था। आमन अपे मंगाती थी सबको, एक एक चिप्स देती थी एक पैकेट, तो वो बिल्कुल लास्ट तक चलाता था। भैया कल एमन चली जाएंगे, इस वक्त तो एकदम सन्नाटा हुआ करेगा। कल चले जाएंगे, हम अपना चेहरा अब नहीं दिखाएंगे ब्लॉग में। क्यों? क्यों? बस अब कुछ प्रण ले लिया मैंने। एमन अभी मैंने देखा कुछ लोगों को ये खाना नहीं सिर्फ इतना दिखाते हैं, शानों से ही कभी मत दे। लोग चेहरा देखने के लिए तरसते हैं ना। हाँ ये करना चाह रही हूँ। हाँ। और सिर्फ एक और अच्छा लग रही हूँ। मान लाए थे सब कुछ खत्म हो चुका है, जिसमें से सबसे कम मुझे मिला था, विच इज़ नॉट फेयर। अब हम लोग देखते हैं रात में क्या खोएंगे। गाइज हम लोग को लग रहा था कि रात में मतलब अभी देखो रात का कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। हम लोग अभी क्या देख रहे थे, खाने की वीडियोस देख रहे थे यूट्यूब पे, और इतनी क्रेविंग हम लोग को हो रही है खाने। मेरे इतनी नहीं हो रही है, डाइट भरा है। ये लोग कभी मुकबांग वगैरह नहीं देखते थे, लेकिन आज मैंने जबरदस्ती दिखाया। इन लोग को भी नहीं पता है हमारे व्यूअर्स को मुकबांग क्या होता है। जो बहुत सारा खाना लेके लोग बैठते हैं खाते हैं और उसको टेम्पटिंग तरह से दिखाते हैं। चलो स्टार्ट करो। बोरिंग लगता था बट मैंने आज बहुत, अभी मैंने Zomato खोला और पता नहीं ये कब से हो गया कि अब इस वक्त भी हो रही है डिलीवरी। पापा को पता चल गया, मार डालेंगे कहेंगे
तेरी ऐसे की तस्वीर। हाँ, क्योंकि अब ये हो गया ऑल डे ऑल नाइट। क्या मंगाना है बताओ? मेरा पता नहीं क्या होगा। लपिनो पेज जो 55 मिनट में बंद हो रहा है। नहीं आ पाया, शायद सब बंद हो रहा है। बोलो क्या खाना है? वो मंगा लो ना अलबेग का। नहीं अब नहीं, अच्छा आता है। अलबेग चला गया मेरा। आलम बाग में है अलबेग। ये देखो है 55 मिनट में बंद होगा। कहाँ है वो देख लो। उस दिन हमने मंगाए थे चिकन नगेट्स, बहुत अच्छे थे। कितनी दूर से आएगा ये तो देखो। चिकन पॉपकॉर्न भी बहुत अच्छे थे। केएफसी से ना मंगा लिया, पास में है। चिकन नगेट्स में ये मंगवा लो, 4 पीस नहीं था उसमें, ज्यादा था। तो फिर वहाँ अलबेग अलग है। ये चिकन लॉलीपॉप, ये अलबेग एक्सप्रेस है। हाँ अलबेग एक्सप्रेस से ही मंगाया था शायद। जल्दी बोलो, लापिनो से मंगाओ जल्दी। और वहाँ अगर कुछ मीठे में हो तो मीठे में। ये पॉकेट बाइट्स कहाँ हैं? प्योर चिकन लॉलीपॉप। गाइस अगर आप लोग जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट फूड क्या है तो मैं मोस्टली, तुम लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो। मैं तो मोस्टली मेरा लुका रहा है ना। हाँ। 4K बन रही है वीडियो। यार सब ये ना सोचे कि हम लोग का पेट प्रमोशन हो रहा है कुछ। गाइस आप नहीं मंगाना तो मत मंगाइएगा। ये अच्छा है कि रात भी भूखे नहीं रह सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ है। जल्दी मंगाओ, 55 मिनट है सबके। बोलो अमन अप्पी, मेरा इतना कोई पेट नहीं। मंगा, जब आ जाएगा ना तो चाइनीज, मम्मी का ढाबा से मंगाओ चाइनीज कुछ। हम लोग ने सेलेक्ट कर लिया है गाइस, हम लोग ने लापिनोज पनीर पिज्जा रेगुलर सर्व्स 1 ऑर्डर कर रहे हैं एंड एक चॉकलावा केक व्हिच इज माय फेवरेट एंड कैन करूं ऑर्डर? यस श्योर, कुछ और मंगवा लो। एंड दिस ट्रीट इज फ्रॉम फिज़ा एंड ज़ोया। निकालो पैसे चलो। अगर अकाउंट में हुए पैसे तो दे देंगे, ठीक है? अब दुआ मनाओ कि अकाउंट में इतने पैसे हों। तो कैश ऑन डिलीवरी क्यों किया है? कैश ऑन डिलीवरी हो क्या? पे ऑनलाइन, हम पे पहले कर देंगे, ठीक है? खिला रही हो सही में मुझे? देखें रुको, तुम लोग कौन सा जानते हैं, फोन आके एक्सेस कर लेंगे भैया। सच में थे 400? मुझे लगा 400 रुपये नहीं है, मुझे लगा नहीं है 400 रुपये। ओलो सब्र सब्र करो बेटा, और कुछ नहीं। मन अपने लोगों को पिन देख गई। कोई बात नहीं, हम लोग वहाँ पे धुंधला कर देंगे। योर पेमेंट इज सक्सेसफुल, ठीक है बेटा? पेमेंट पहले नहीं करना चाहिए, अब क्या पता आए ना बंद हो जाए। आई एम रवि योर डिलीवरी पार्टनर। हजरतगंज से बताओ इतनी रात में आए। हजरतगंज से? तुम लोग ने यहाँ आशियाना से क्यों नहीं मंगवाया? तो यहाँ खुला ही नहीं होगा यार। हमें दूर से मंगाने में पता नहीं दिल को नहीं अच्छा लगता है हमें। तुम दिल की अच्छी, आवाज रिकॉर्ड भी हो रही है यहाँ पे। तुम दिल की अच्छी हो ना। हाँ मैंने हजरतगंज से आया, लेकिन कर दो पैसे तो दिए हैं। चलो हटो, कुछ और मंगा लो। हम लोग का ऑर्डर आ गया है और पता है हम लोग ने क्या मंगाया है? हम लोग ने मंगाया लपिनो पिज्जा। लपिनो पिज्जा एंड चोकोलावा केक है। फिज़ा ने ज़बरदस्ती मंगाया है, हम लोग को रुपये को इसको डांटा फिर भी ये नहीं मंगाया। और पता है इसमें बहुत अच्छा लगता है गाइस। ये हम लोग ने कस्टमाइज करके मंगाया और लेफ्ट ओवर बच जाएगा तो हम इन लोग ने दूसरा ऑर्डर किया है अभी। बता दीजिए क्या दिखाइए, खोल खोल के दिखाइए जल्दी से। एंड हम लोग के खास बहुत जल रहा है, बहुत जल रहा है क्योंकि यहीं पास से आया है ना। पिज्ज़ा तो गाइस उन लोग ने गलत भेज दिया था, मतलब वी हैव ऑर्डर वेज पिज्ज़ा बट दे सेंड नॉन वेज। हम लोग बाहर का नॉन वेज खाते नहीं है ना। फ्राइड राइस कोई खाएगा नहीं जिस होटल में आया है। नहीं अमन मेहर अच्छी आई है। हियर वी हैव अ वेज फ्राइड राइस, वेज चाउमीन। ये फ्राइज है, फ्राइज है हमारे पास। एंड वी हैव मक्का मक्का। आगे बताओ जो दिखाई। सो गाइस फाइनली 3 दिन बाद अमन जा रही है। बाय बाय, डोंट शो मी, मैं अपने आप को घर पे ही दिखाऊंगी। सो ये जा रही है, अल्लाह हाफिज़। हम लोग को बहुत याद आएगी क्योंकि बहुत मज़ा आती है अमन अप्पी जब होती है तो, है ना? यस
अभी मिलेंगे तो। वैसे भी आना ही है, 8 तारीख को इनका बर्थडे है भैया। यस देखो okay. क्या होता है बर्थडे में इनके। ओके बाय, महिमा की कॉल आ रही है। और मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाया वहाँ पर क्योंकि मेरा कुछ दिल ही नहीं हो रहा है बनाने के लिए। वो तो बहुत ही फोर्स, मतलब जोया लोग फोर्स कर रही थी कि बनाओ बनाओ, कुछ भी नहीं बन पाया। देखा जाए 3 दिन मैं रुकी हूँ घर पे अपने, बट कुछ भी नहीं शूट किया, दिल ही नहीं कर रहा था। सो कुछ भी थोड़ा थोड़ा छुटपुट छुटपुट जो भी बन गया बन गया, एक प्रॉपर व्लॉग बन गया, 3-4 दिन का व्लॉग है ये। सो गाइज आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।